ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर बिहार में खूब राजनीति हो रही है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। 19 दिसंबर को लेफ्ट पार्टियों ने बंद बुलाया, अब 21 दिसंबर को बिहार विधानसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने बंद बुलाया है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार को चेता रहे हैं, अगर नीतीश कुमार ने डंडे बरसाने का काम किया तो अंजाम बुरा होगा। संविधान बचाने के लिए हम लोगों ने ऐलान किया है 21 तारीख को बंद करने का। राष्ट्रीय जनता दल जो थी वो पहली पार्टी थी, राज्यसभा में टेबल होने से पहले हम लोग जो है जेपी कोलंबर पे बैठने का काम किया, इसका विरोध किया। उसके बाद हम लोगों ने ऐलान किया 21 तारीख को। हम सरकार के लोगों को चेता देना चाहते हैं कि अगर कहीं डंडे बरसाने का काम किया, हम लोग शांति प्रिय ढंग से जो है बिहार बंद करने का काम कर रहे हैं और हमारे पार्टी द्वारा भी निर्देशित कर दिया गया है। अगर थोड़ी सी भी नीतीश कुमार जी अगर चालाकी करेंगे या उस तरीके का काम जो होगा डंडा पीटने उठने का, तो अंजाम बुरा होगा। गुरुवार को झारखंड से चुनाव प्रचार करके लौटे तेजस्वी यादव ने सीएए को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा और बीजेपी को देश जलाओ पार्टी करार दिया। पूरा देश जल रहा है और ये देश इस वजह से जल रहा है क्योंकि भारत जलाओ पार्टी इस देश को जलाना चाहती है, तोड़ना चाहती है और इसके विरोध में जो लोग, अब बताइए हमको आपको, ये कोई मुसलमानों की बात नहीं, हमको भी प्रमाण देना पड़ेगा कि हम भी जो है इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, ये सबों के लिए। नीतीश द्वारा अल्पसंख्यकों को आश्वासन देने पर तेजस्वी ने कहा कि पहले तो वो बीजेपी और आरएसएस के गोद में जाकर बैठ गए, अब कह रहे हैं कि हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। 100 चूहा खाकर के बिल्ली चली हज को। नीतीश कुमार जी थोड़े दिन पहले अपने रुदाली लोग से रुलवाने का काम कर रहे थे। रुदाली का मतलब ये होता है कि राजा महाराजा के घर में अगर कोई मर जाए तो वो भाड़े पे रुदाली बुला करके रुलवाने का काम करते थे। पहले रुदवाली से रुलवाएं, अब खुद रुदाली की भूमिका में आ गए हैं नीतीश कुमार जी। रो किस बात पे रहे? अरे नीतीश कुमार जी, आप याद कीजिए 12-13 जब आप भाजपा छोड़े थे तब भारत जलाओ पार्टी थी, है ना? अब जो है भाजपा ठीक हो गई है। इससे पहले गुरुवार को नीतीश कुमार ने आरजेडी को जमकर घेरा था। उन्होंने कहा था कि जब सत्ता में थे तो आपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया था। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि मुसलमान का तो बहाना है, असली निशाना तो दलित और पिछड़े हैं। एक बात सुनिए, जो बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो आएंगे तो भारत सरकार कागज बनवाएगी। जो हमारे देश में ही है उनके लिए कोई कागज नहीं बनवाया जाएगा, उनको बाहर करेंगे। मतलब ये अंदर बाहर का क्या खेल है, क्यों लाया जा रहा है ये सब लोग जानते हैं। देखिए ये मुसलमान बहाना है, असली निशाना दलित और पिछड़े हैं। अब बताइए हमको आपको, ये कोई मुसलमानों की बात नहीं, हमको भी प्रमाण देना पड़ेगा कि हम भी जो है इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, ये सबों के लिए। अगर आप चले जाइएगा कहीं भी ट्राइबल इलाकों से, आदिवासियों से पूछिए तो कहाँ से लाएंगे वो कागज डॉक्यूमेंट। तो ये CAA और NRC जो बिल है ये पूरी तरीके से इंटरलिंक्ड है, ये NRC के लिए CAA किया गया है। गुरुवार को CAA और NRC पर वामदलों के देशव्यापी बंद को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की प्रतिक्रिया आई। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार और कुशासन का लंबे समय तक साथ देने के कारण बिहार में वामपंथियों का जनाधार तो 20 साल पहले खत्म हो चुका है, इसलिए इनके बिहार बंद के दौरान कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ के अलावा हर जगह शांति रही। बंद फ्लॉप रहा, CAA के खिलाफ बंद की राजनीति जारी है। विपक्ष जहां बंद को सफल बता रहा है वहीं सरकार बंद को फ्लॉप। पटना से सुजीत गुप्ता, बिहार तक।